हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर पूनम। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर आप मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया और सिलेबस होता है। तो आज मैं आपको जस्ट सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ कि आप अगर होम्योपैथी से मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा सिलेबस, कितने कहाँ से पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज, और क्या टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वाइज, ये सारे जो सिलेबस है वो आज मैं कवर करने वाली हूँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में सिर्फ सिलेबस के बारे में ही बताऊंगी। आपको कैसा लगेगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं अगर आप एचएमओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी होम्योपैथी से मेडिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में मैं जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले है फ्रेंड्स जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, और दूसरा जो है वो आपका सब्जेक्ट्स वाइज, यानी कि अलाइड और होम्योपैथिक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या मतलब स्टडी करना है अलाइड सब्जेक्ट में, होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स में और जनरल नॉलेज में आपको क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट्स वाइज। तो जो अलाइड सब्जेक्ट्स है उसमें से फ्रेंड्स देखा जाए तो हमें हर एक चीज़ पढ़ना है। फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए ये जो सिलेबस है वो बता रही हूँ। तो एनाटॉमी में फ्रेंड्स आपको अपर लिम, लोअर लिम, थोरेक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक, ब्रेन, एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। फिर उसके बाद थोड़ा डीप में जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड इट्स मेजर ब्रांचेस, ऑस्टियोलॉजी, नेम, सिचुएशन एंड टाइप ऑफ बोन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, मायोलॉजी, नेम एंड सिचुएशन ऑफ मसल्स, देन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में हार्ट एंड मेजर ब्लड वेसल्स, न्यूरोलॉजी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मेजर्स नर्व। उसके बाद लीवर है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, स्टमक है, लंग्स है, किडनी है एंड बोथ इंटेस्टाइन्स है। उसके बाद है यूरोजेनाइटल सिस्टम, यूरिनरी ऑर्गन, मेल एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, इंडोक्राइन ग्लैंड, ऑर्गन ऑफ सेंसेस। तो फ्रेंड्स, ये जो है मैंने बताया ये एनाटॉमी का था। अभी आपको फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के बारे में बता रही हूँ। तो इसमें आपको पढ़ना है सीवीएस एंड ब्लड, जीआईटी, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। उसके बाद थोड़ा डीप में जाएंगे तो फ्रेंड फंडामेंटल फिनोमेना ऑफ लाइफ, द सेल एंड टिश्यू, बायोकेमिकल प्रिंसिपल, बायोफिजिकल प्रिंसिपल, इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी, स्किन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड हाइपोथर्मिया, देन स्केलेटोमस्कुलर सिस्टम, जनरल इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स फाइबर्स, नर्व स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्व सेल, ब्लड कंपोजिशन एंड फंक्शन इन जनरल, देन फिजियोलॉजी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ESR एंड अदर ब्लड इंडिसेस, देन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, लिम्फेटिक्स एंड RE सिस्टम्स, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स, ECG, फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ शॉक, देन रिस्पिरेटरी सिस्टम, देन फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ गैसेस, एक्सचेंजेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस। तो फ्रेंड, ये जो मैंने आपको बताया ये फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। उसमें आता है और भी डाइजेस्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ लीवर एंड गाल ब्लडर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देन एक्सक्रेटरी सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पेशल सेंसेस, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट। तो ये जो सारा मैंने बताया आपको फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये सब मैंने लिख के रखा है फ्रेंड्स जस्ट आपको बताने के लिए। उसके बाद है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में आपको क्या करना है, CVS है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, GIT है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम है, देन जॉइंट्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, हेमेटोलॉजी। उसके बाद थोड़ा डीप में जाएंगे तो फ्रेंड्स क्लिनिकल मेथड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट एज ए होल विथ थेरापेटिक्स, देन एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड पेनक्रियाज डिजीज, न्यूट्रिशनल डिजीज, देन इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर इन डिजीज, देन क्लाइमेट्रिक फैक्टर इन डिजीज, मेटाबॉलिक, लीवर एंड बैलरी ट्रैक डिजीज। देन उसके बाद फ्रेंड्स है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिजीज,
देन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, बोन्स एंड जॉइंट्स डिसऑर्डर, स्किन डिजीज, एक्यूट इमरजेंसी इंक्लूडिंग पॉइजनिंग, देन पीडियाट्रिक है फ्रेंड्स, पीडियाट्रिक्स विथ होम्योपैथिक थेरापेटिक्स। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको बताया ये था प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन था। अभी बात करेंगे पैथोलॉजी के बारे में। तो पैथोलॉजी में आपको क्या करना है, CVS है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, GIT है, जनरल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में आपको क्या करना है, इन्फ्लेमेशन, रिपेयर हीलिंग इंजुरी, इम्यूनिटी, नियोप्लाज्म, थ्रोम्बोसिस, देन इम्बोलिज्म, एडिमा, देन हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एनाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, इस्चेमिया, हेमरेज, शॉक, एट्रोपी, इन्फेक्शन, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, देन इन्फ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स ये इन्फ्रैक्शन है और इन्फेक्शन अलग है, आपको कंफ्यूज मत होना। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे, ये पैथोलॉजी था। पैथोलॉजी में अभी ये मैंने जो आपको बताया वो जनरल पैथोलॉजी था। इसके बाद हम बात करेंगे सिस्टमेटिक पैथोलॉजी के बारे में। इसमें आपको पढ़ना है फ्रेंड्स एलिमेंट्री सिस्टम, लीवर, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सिरोसिस, जॉन्डिस, गैलबेडर, पैनक्रियाज, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन यूरोजेनाइटल सिस्टम, देन स्केलेटल और मस्कुलर डिजीज, स्किन, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, ये भी आपको कवर करना है। उसके बाद बात करते हैं सर्जरी, ENT एंड ऑप्थल्मोलॉजी के बारे में। तो इसमें जनरल सर्जरी आपको कवर करना है, GIT करना है, जेनाइटो यूरिनरी डायग्नोसिस ऑफ कॉमन सर्जिकल केसेस विथ क्लिनिकल प्रोसीजर, ये करना है। उसके बाद आपको करना है फंडामेंटल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ए पेशेंट विथ सर्जिकल प्रॉब्लम, यूज ऑफ ए कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ए पेशेंट विथ सर्जिकल प्रॉब्लम, देन असेप्सिस करना है, एंटीसेप्सिस करना है, ड्रेसिंग, प्लास्टर, ऑपरेटिव सर्जरी ETC, प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑर्थोपेडिक्स, डेंटल डिजीज, इंजुरीज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ वुंड, हीलिंग एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग अल्सर, साइनेसिस, गैंग्रीन ETC। उसके बाद फ्रेंड्स करना है हेमरेज, शॉक, देयर मैनेजमेंट, देन रेसोसिएशन एंड सपोर्ट इन एमरजेंसी, एक्सीडेंट एंड इंजुरीज मैनेजमेंट, बर्न्स मैनेजमेंट, फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, जनरल प्रिंसिपल्स, पेडियाट्रिक्स, देन थेरापेटिक ऑफ सर्जिकल सिस्टम डिजीज इंक्लूडिंग ईयर, आई, नोज एंड थ्रोट। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको बताया सर्जरी, ENT, ऑप्थल्मोलॉजी, इसमें तीनों कवर है। इसके बाद बात करते हैं गायनेकोलॉजी के बारे में। तो गायनेकोलॉजी में फ्रेंड्स आपको देखा जाए तो आपको गायनेकोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको टॉपिक को कवर करना है। तो जैसे गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटीज, इन्फेंट केयर, नियोनेटल हाइजीन, ब्रेस्ट फीडिंग, मैनेजमेंट ऑफ प्री मैच्योर चाइल्ड, एस्पेक्सिया, कॉमन डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न, एबनॉर्मेलिटी, यूटराइन डिस्प्लेसमेंट, इन्फ्लेमेशन, अल्सरेशन एंड ट्रोमेटिक लीजन ऑफ द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। तो ये सारे जो टॉपिक है वो आपको कवर करना है। उसके बाद है ऑप्स में हम देखते हैं, इसमें आपको फ्रेंड्स डेवलपमेंट ऑफ द इंट्रायूटराइन प्रेगनेंसी, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर, नॉर्मल लेबर, पोस्ट नेटल केयर, परप्यूरियल, एबनॉर्मल परप्यूरियल, देन उसके बाद है केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, लेबर एबनॉर्मल पोजिशन एंड प्रेजेंटेशन, ट्विन्स, प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड एंड लिम्स, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, देन इंजुरी ऑफ बर्थ कैनाल, कॉमन ऑब्स्टिकल ऑपरेशन, एबनॉर्मल पल्पेबरियल इन्फेक्शन। तो फ्रेंड्स ये जो था ये ऑप्स का था। इसके बाद करेंगे FMT यानी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में, लीगल प्रोसीजर, डेफिनेशन ऑफ मेडिकल जूरिस प्रोसीजर कोड्स एंड देयर जूरिस डिक्सर। उसके बाद करेंगे फ्रेंड्स मेडिकल इथिक्स के बारे में। उसके बाद करेंगे लॉ रिलेटिंग टू मेडिकल रजिस्ट्रेशन एंड मेडिकल रिलेशन बिटवीन द प्रैक्टिशनर एंड द स्टेट। तो फ्रेंड्स उसके बाद कौन सा टॉपिक आएगा, द होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिलिंग एक्ट 1973
एग्जामिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन लिविंग एंड डेड, पार्ट्स, बोन स्टेन्स, हेल्थ, प्यूटरिफिकेशन, ममीफिकेशन, सॉफ्निफिकेशन, फॉर्म्स ऑफ डेड कॉजेस, असल्स, वूंड्स, इंजुरी एंड डेथ बाई वायलेंस, एस्पेक्सिया एंड डेथ। तो फ्रेंड्स, ये फॉरेंसिक मेडिसिन, इसमें और भी है, ब्लड एग्जामिनेशन है, ब्लड स्टेन है, सेमाइनल स्टेन है, बर्न्स है, स्कॉल्ड है, लाइटिंग स्ट्रोक है, एक्सेट्रा, स्टारवेशन, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, अबॉर्शन, इन्फेंटिसाइड, सेक्शुअल क्राइम्स, इंसानिटी इन रिलेशन टू द स्टेट लाइफ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस पोस्टमार्टम, ये सारे जो है वो फॉरेंसिक मेडिसिन को कवर करते हैं। और उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी की बात करेंगे, तो टॉक्सिकोलॉजी में मिनरल एसिड, कोरोजिव सब्लिमेट, आर्सेनिक एंड इट्स कंपाउंड, अल्कोहल, ओपियम, अल्कोलॉइड, कार्बोलिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, किरोसिन ऑयल, कैनाबिस इंडिका, देन कोकाइन है, बेलाडोना है, स्ट्रिचाइन है, नॉक्सोमिका, एकोनाइट, ओलियंडर, स्नेक पॉइजनिंग, लीड पॉइजनिंग, तो ये सारे जो है टॉक्सिकोलॉजी को कवर करते हैं। अब बात करते हैं कि जनरल के लिए, यानी जनरल नॉलेज के लिए क्या आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको मैं जस्ट टॉपिक बता रही हूँ, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मोमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, थर्ड है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू ETC, फोर्थ है इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, फिफ्थ है करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, सिक्स है इंडियन एग्रीकल्चर, सेवेंथ है जनरल साइंस और एट है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 10th क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ये जो था जनरल नॉलेज के बारे में था। और होम्योपैथिक जो मैं आपको बता दूँ, होम्योपैथिक में तो आपको सब कवर करना है, फिर भी अगर आपको होम्योपैथी का भी सिलेबस चाहिएगा तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपको जनरल नॉलेज का भी डीप में चाहिए तो भी मैं आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको डीप में बताऊंगी कि इन टॉपिक्स में और क्या क्या पढ़ना है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर कोई सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स छूट गया होगा तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको बताऊंगी, या कोई वर्ड या प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियर नहीं आया होगा तो उसके लिए भी सॉरी पहले से ही। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था तो इसलिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है, तो जो वर्ड हैं वो मोस्टली क्लियर नहीं हो पाते हैं जल्दी जल्दी बोलने की वजह से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और अगर कोई सब्जेक्ट्स या टॉपिक छूट गया होगा तो भी मुझे आप कमेंट्स करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर दूंगी। और अगर आपको होम्योपैथी के सब्जेक्ट्स के भी टॉपिक वाइज चाहिए, तो सिलेबस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स करना, वो भी मैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।